गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो गाइज आज है जाने वाला दिन, यूनिवर्सिटी जाना है आज। मैं और मेरी फ्रेंड जाएंगी। फिलहाल मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, वहाँ जाके पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि रूम वगैरह गंदा होगा और गर्मी के लिए कुछ फ़ैन वही लेके जाएगा जो आपको बताया था। आई होप वो थोड़ा सा काम कर जाए और वो स्मेल तो गर्म तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छी कंपनी का अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो गाइज अर्शी दीदी गई थी नहाने सिर धोने। गाइज मम्मा पापा भी पीले बने हैं और अर्शी भी पीले बने हैं, बस मैं ही हरी रह गई हूँ। क्या चक्कर है ये? हेलो, अरे फिर से पीले पीले बन गए। अच्छा उसी का ध्यान में रख के थीम फॉलो कर रहे हो? थीम फॉलो कर रहे हो बसंत ऋतु का? कहाँ जा रहे हो आज फिर से? गाइस ये देखो सुबह सुबह 11 में तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हो? घूमने जाते हो कहीं? गाइस सी द लेवल ऑफ मैचिंग। मैं वैसे लाया हूँ। ओहो पापा तो बोलते हैं बसंत ऋतु आ रही है, मैं इस करके पीला पा रहे हैं। देखो गाइस ने मेरा सूट देखे ना। हाँ। मैं पहले लाया है। अभी अच्छा, मैं देखते हैं इधर क्या चल रहा है। गाइस मम्मा पापा गए हैं फिजियोथेरेपी कराने, आरशी व्लॉग लगा के बैठी और दूध का काम करती है। अभी तो पढ़ ही रही थी, दूसरे रूम में पढ़ रही है क्योंकि मैं भी जोर जोर से बोलती हूँ, वो भी जोर जोर से, फिर वो कोलाइड हो जाता है और फिर वो बस्ट हो जाता है। आगे आगे गर्मी कैसी है? फर्क है? तो फर्क है। खाना खा लो दीदी। दीदी अच्छा हम करने लगे हैं लंच। मैंने हरी सब्जी भी ले ली, मुझे बड़ी टेस्टी लगी थी। चावल आज बने हैं, फलियाँ, आलू, चटनी, दही। गाइस जैसे कि आज यूनिवर्सिटी जाना है तो मैंने सोचा मैं पैकिंग कर लेती हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। कपड़े क्योंकि बिखरे पड़े हैं, कोई दरवाजे के पीछे है, कोई बाहर डाला है धो के, कोई उस दूसरे वाले रूम में है। इसी ठंडी हवा की तो नीड थी यार, जो अभी चल रही है सग रहा इसी वाली हवा है। तो अभी मैं बस तैयार होने लगी हूँ क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड निकलेंगे यहाँ से। इसने अपना पैक किया है बैग के अंदर, देखो मेरे पूरे कमरे की सफाई हो गई है। कितना गंदा लग रहा है टेबल। गाइस सामान बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, ये मैंने पूरा लैपटॉप वाला बैग फुल कर दिया है, ये दूसरे वाला बैग है, इसमें भी डाल रही हूँ कपड़े, कैसे उठा के ले जाऊँगी यार। हेलो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, मौसम का कुछ भरोसा नहीं। अभी मैंने आपको बताया था इतना अच्छा हो गया है, फिर से इतनी गंदी धूप हो गई हुई है, मतलब ऐसे लग रहा है कि अभी अभी सुबह सुबह की ताज़ी धूप है, इतनी गंदी और तीखी धूप है। तो गाइस अभी मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का क्योंकि वो आएंगे फिर अम्फला, फिर हम दोनों जाएंगे, उनके हस्बैंड ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद लोकल में जाएंगे। जा रही हूँ। जाओ जाओ। जा रही हूँ। ओके गाइस देखा धूप ना। हाँ मैं क्यों ब्राउन मिल रही है गाइस। आउच। तो गाइस अब मैंने मम्मा को बोला, थोड़ी मेरे को एसिडिटी लग रही थी, मैंने उनको बोला थोड़ा सा मेरे को ठंडा दूध डाल के दे दो। अभी 5 मिनट कम जा रहे हैं, हाँ तो अभी 4 बजे तक वो आ जाएगी, फिर निकलते, पैकिंग शैकिंग सब हो गया। हाँ अंदर है। आप क्यों उठ गए हो? 4 बजे अभी तो बस जी के 1 घंटा सो गए, आराम हो गया, 1 घंटा ज्यादा नहीं सोना चाहिए। हो गया आराम? आज धूप बाहर देखो, हाँ बड़ी धूप है। चंगा भला सी। तुम तो अभी सोई हुई थी। नहीं बाय 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 गाइस। इस बारी सामान देखो, बैग, पंखा, हाँ मम्मा बाय 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 हैं हीटर पंखा है मेरे को। गाइस सामान ज्यादा हो गया, बस में बैठना है, फिर वहाँ से मेट्रोडोर में गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ेगी।
निकाल रहे हैं। उस साइड तो बड़ा जाम है, देख सकते हो आप कहाँ से घुस रहे हैं। तो ये मेन रोड है, किडनैप हो रहे हैं यार। लगी रोड में घुस गए हम, किडनैप तो नहीं हो जाएंगे गाइस। कौन सी रोड है यार ये, अंदर अंदर से आया ये तो, वो बाहर है ना गाइस। ये भी किसी नई रोड पे आया यार गाइस, ये किसी नए रोड पे इसने उतारा है हमें, बोल रहा है नीचे चल के जाओ, उधर है दुमेल। बन क्या हुआ मुझे कहते बच्चे सुनते नहीं है आजकल की, उतरते नहीं बस क्यों तो बोलना दुमेल छोड़ो प्रॉपर। गाइस ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन सी जगह, वो तो हमारी रोड दिख रही है मुझे, लग रहा है ये पता कौन सी रोड है, मुझे दुमेल से नहीं दिखती ऊपर आते हुए। हाय बानी को डांट पड़ी, हम उतर नहीं ना रहे थे, बोलता उतरो उतरो दुमेल आ गया है। ये सामने जो टा रहा ना ये देखो हिटलर जैसा, हमें ना अंटर करता उतर क्यों नहीं रहे, उतर क्यों नहीं रहे, हमने बोला दुमेल खराब आया, हमने बोला कहता खराब बच्चे हो आप, मैं बोला अंकल दुमेल नहीं आया, बोलता उतरो उतर यही दुमेल है, यही दुमेल है। गाइस ये देखो इसने हमें कहाँ उतारा, देख रहे हो ये हाईवे है जो उधमपुर जा रहा है, और सामने यूनिवर्सिटी का रास्ता है ये, और हमें वहां तक पैदल चलना है, वो है दुमेल सामने यहाँ। बेसिकली गाइस हम चलते चलते, शुक्र है इनके पास छाता था, मेरा छाता रूम में ही रह गया हुआ है। हमें लोग ऐसे दिख रही है, पता नहीं आई है यहाँ, फोटोज खींच रही है। सामने आपको दिख रही है मेट्रो, ये क्रॉस करके हमें यहाँ बैठना है। बैग देखो मैंने ये पकड़ा है, उसने अलग पकड़ गया है। गाइस बानी की उंगली कट गई, बैग उतारते उतारते आज जितना खज्जल जिंदगी में कभी नहीं हुआ, क्यों बानी आज सबसे ज्यादा खज्जल हुआ। एक तो बस वाले ने उधर उतार दिया, ऊपर से मेट्रो में सीट नहीं मिली, और इतना रश आज पागल हो गया। गाइस देखो ये सारे बच्चे भी मेट्रो पे आए, मौसम तो सही है, हवा चल रही है और ठंडा भी, ऐसा नहीं कि लू वाली हवा है, अच्छी हवा है, ठंडा है। मेरे बैग इतना तो अभी हम सोच रहे हैं कि संजीवनी हुए हैं, फिर एक ही बार जाएं अंदर, फिर वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। गाइस हमारा ये प्लान बन रहा है कि रूम में ही चलते हैं फिलहाल, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो चल के जाना पड़ेगा यार संजीवनी भी। यहाँ से 6 तो बज गए हैं, चलते चलते 6:30 हो जाएंगे, है ना। ऑलमोस्ट पहुँच गए यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुँचे हैं, अभी वैष्णवी तक चल के जाना है। गाइस ये तो कितना प्यारा है, छोटा सा देख रहे हो, कैसी है हालत, खराब हमने सोचा था मैगडी उतरते हैं वहाँ से ऑटो कर लेंगे, बट ऑटो वाले भैया को फ़ोन किया वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमें यहाँ उतरना पड़ा। फिर हमने सोचा प्लान 2 संजीवनी, अब वो भी कैंसिल हो गया, बनाया प्लान 3 कुछ नहीं हॉस्टल। गाइस मैं पहुँच गई रूम, मैं रूम को पहचान नहीं पा रही थी, इतनी डस्ट हो रखी थी पूरे रूम में। फिर मैंने ये देखो ये पूरा साफ किया, ये पूरा साफ किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, देख लो एकदम क्लीन है फर्श। अभी ये अनपैक होना बाकी है, ये भी मैंने पूरा झाड़ पाड़ कर दी इसकी। मेरी घड़ी में देखिए इसने सेल कराया, मैं उसको भी थप्पड़ मार मार के चला रही हूँ, बट आज मैं ग्रोसरी से सेल फाइनली लेके आऊंगी। बाहर यहाँ से मैं विंडो से मौसम देख रही हूँ, मौसम यहाँ देख रही हूँ ना, बार पहाड़ी इतना सुकून मिल रहा है ना, सारे किसी हिल स्टेशन पे ऊपर वाले फ्लोर से तो ज्यादा अच्छी दिखती है। सोचो ना यहाँ मैं ग्राउंड पे, ऊपर तो पूरी पहाड़ी दिखती है ऐसे वैष्णवी, इसलिए मेरे शोल्डर से दर्द हो रहे हैं। अब 10 मिनट करते हैं रेस्ट, फिर चलेंगे थोड़ा बाहर, हफ्ता हो गया यूनिवर्सिटी घूमे नहीं है। सो गाइस थोड़े से हो गए फ्रेश, और अब मेरे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जब मैं साफ सफाई देखती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है। मम्मा ये बात नहीं मानेंगे, बट हाँ मम्मा ये बात सच है, आप नहीं समझोगे जिस बात। तो अभी चलते हैं, बानी को भी लेते हैं और बाहर का देखते हैं क्या सीन है अभी। गाइस इस टाइम मौसम अच्छा हो चुका है, मेरे कहने का मतलब है कि हवा ठंडी ठंडी लग रही है ना, लग रहा है गर्मी निकल रही है अंदर से, एग्जॉस्ट हो चुके हैं है ना, लेकिन उन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है इस तरह। तो धीरे धीरे ही चलेंगे, आज टांगों में जान कम है, क्योंकि बस और मेट्रो वालों ने बड़ा खड़ा रखा और चलवाया है, जान निकाल दी। अभी चलते हैं थोड़ा ग्रासरी श्रासरी, पर मौसम यहाँ ठीक है, बाहर का ठीक है, अंदर का रात को बताएंगे, क्योंकि तब पता चलता है जब सोने का टाइम होता है ना। गाइस यहाँ पे रश है, बच्चे इस बार घर नहीं गए थे क्योंकि बच्चों के 22nd से एग्जाम है। ऐसे वीडियो चाहे जितनी मर्जी अगर बुराई भी करो तो इस जगह की क्या गलती है। यहाँ पे मेडिकल एयर सेंटर में बैंडेज नहीं मिलती है, इनके हाथ में वो कट लग गया था, हमने सोचा हम लेते हैं मेडिकल एयर सेंटर से, वहाँ से नहीं मिली, कहते ग्रोसरी जाओ, ग्रोसरी में भी नहीं है।
मतलब इस सिचुएशन में बंदा अब क्या नारायणा जाएगा बैंडेज लेने के लिए? बोल सकते हैं हद हो गई यार, मतलब सीरियसली। हमने वीसी सर के सामने उस दिन ये पॉइंट भी रखा था वैसे, है ना, वीसी सर के नहीं रजिस्ट्रार सर के सामने, कि जो हमें चाहिए मेडिसिन वो होती नहीं अवेलेबल इधर, तो बेसिक ही नहीं है। और क्या, बेसिक नहीं। गाइस आफ्टर लॉन्ग मैंगो वाली आइसक्रीम, मामा बोले थे मैंगो ले जा घर से, बट ये मिल गई अच्छी। दही ले लिया, ख़त्म हो गया था दही, एक ही बचा था, हम पहले ही पेमेंट करके रखा के गए थे। एक्चुअली घर से आए मैंने खाना लाया, पुलाव लाया, जिस दिन मैं घर आती हूँ मम्मा स्पेशली पुलाव बना के देते हैं, दही के साथ खाएंगे फिर। लग रही है 2 रुपये की बन गई है, ली हमने 25 के 2 की बन गई है। इतनी इतनी भी आनी चाहिए यार, बंदा से इतनी इतनी खाएगा नहीं मजेदार। अभी हम थोड़ा यहीं चक्कर मारे क्योंकि हम पूरे 8 बजे जाएंगे अंदर यार, 1 मिनट भी हम अंदर पहले नहीं जाते। तो ये जो गार्डन है जो आपको बताया था गेस्ट हाउस की तरफ, हम उसको यहाँ चक्कर मारते हैं। तो यार मैं पहुँच गई हॉस्टल वापस, टाइम हो चुका है 8, मेरे को सेल नहीं मिले ग्रोसरी से यार, कहते कल आएंगे, आज भी इसको थप्पड़ मार के चलाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, मेरी घड़ी को 3 महीनों से मैंने इसको थप्पड़ मार मार के चलाया है, और अब सोच रही हूँ जो 2-3 महीने इसको और थप्पड़ शप्पड़ मार के चलाऊँ। और अभी मैं थोड़ा बस अब जा रही हूँ, थोड़ा चेंज चेंज करूँगी, फ्रेश वगैरह हो लें, अपने काम निपटा लें, फिर बानी आएगी, बैठ के डिनर करेंगे, मम्मा ने घर से खाना दिया हुआ है। यार एक्चुअली मैं गई तो थी मुँह हाथ धोने, फिर मुझे लगा कि नहा लेते हैं यार, घर लोकल में आए हैं तो वैसे भी थोड़ा ऐसे हो जाता ना अजीब सा। फिर मैं नहाई और काम किए, तो अभी मैंने बानी को फ़ोन किया, मतलब आज हो गए हम डिनर। तो गाइस आज है डिनर में पुलाव, अचार और दही हमने इसके साथ लाया है। और गाइस खाना खा के मैं सो जाऊंगी क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं, मेरी बैक बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, मेरे ख्याल से वो भारी था ना जो बैग उठाया था, एंड और भी चीज़ें ऐसी उठाई तो बैक बहुत ज़्यादा दर्द है, और कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगी, बस भूख लगी है अंदर कुछ जाए और मैं सो जाऊँ। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट आगे करते रहो यार, आपके सपोर्ट की सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।